नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। चीन ने दुनिया के मशहूर मीडिया समूह बीबीसी वर्ल्ड सर्विस टेलीविजन को चीन के भीतर प्रसारण करने से प्रतिबंधित कर दिया है। चीन का दावा है कि बीबीसी अनुचित और असत्य पत्रकारिता कर रहा है। हाल के महीनों में चीन ने बीबीसी की कोरोना वायरस महामारी और शिनजियांग में वीगर मुसलमानों के शोषण पर रिपोर्टों की आलोचना की है। एक बयान में ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन में इंटरनेट और मीडिया पर सबसे सख्त पाबंदियां लागू हैं। बयान में कहा गया है कि चीन का ये फैसला दुनिया के सामने उसकी ही साख कम करेगा। बीते सप्ताह ब्रिटेन के मीडिया नियामक ऑफकॉम ने चीन के सरकारी नियंत्रण वाले चैनल CGTN का प्रसारण लाइसेंस निलंबित कर दिया था। वहीं बीबीसी के एशिया एडिटर का कहना है कि चीन में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस टीवी के प्रतिबंधित किए जाने का बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि चीन में ये चैनल अधिकतर लोगों के लिए पहले से ही उपलब्ध नहीं था। बीबीसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हमें खेद है कि चीन के प्रशासन ने ये कदम उठाया है। बीबीसी दुनिया के सबसे विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार प्रसारकों में से एक है और दुनिया भर में पूरी निष्पक्षता से बिना डर और पक्षपात के कहानियां रिपोर्ट करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।